Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कंगन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ कि तुम प्लीज। गुनगुन बेटा, अच्छा पहले आप रोना बंद करिए और बताइए हुआ क्या है। गुनगुन, रो क्यों रही हो तुम? तुमसे मतलब? तुम्हें कोई फर्क पड़ता है किसी को भी मेरी मम्मी बनाकर रख लोगे इस घर में? गुनगुन, आखिर बात क्या है बेटा, हुआ क्या है? मुझसे हेट करते हो इसलिए कर रहे हो ना ये सब? इसलिए ऐसी मम्मा लाना चाह रहे हो ना मेरे लिए? नहीं गुनगुन बेटा, तुम दामनी हेट्स मी। जब देखो मुझे डांटती रहती है, बहुत बुरी है वो। गुनगुन बेटा, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते हैं। अच्छा पहले आप रोना बंद करिए और बताइए हुआ क्या है। दामिनी ने मुझे डांटा। और फिर मेरी मम्मा की फोटो फ्लोर पे फेंक कर तोड़ दी। क्या? हे भगवान, दामिनी ये क्या किया तुमने? वो पुतली अब तुम्हारे ऊपर चूड़ल बनकर नाचेगी। कौन ये तुम क्या बोल रही हो? सही बोल रही हूँ, दामिनी ने मम्मा की फोटो तोड़ दी। ये गुनगुन तो सिक्सर पे सिक्सर मारे जा रही है, बॉल सीधा स्टेडियम से बाहर। लगता है इस दामिनी को घर से आउट करके ही मानेगी आज। गुनगुन ये तुम क्या बोल रही हो? सही बोल रही हूँ, दामिनी ने मम्मा की फोटो तोड़ दी। मैंने दामिनी को नहीं मारा। गुनगुन, अब आप इतने बार झूठ बोलेंगी तो आपकी बात कोई कैसे मानेगा? हम भी तो मानना चाहते कि आप सच बोल रही हैं, पर आप क्या कहा? मम्मा कसम मैंने झूठ नहीं बोला। गुनगुन लाइए, हमें अपना हाथ दिखाइए, बहुत खून निकल रहा है। गुनगुन, हम अब किसी की मरम पट रहने दो, बहने दो मेरा खून। वैसे भी मुझसे कोई प्यार नहीं करता। गुनगुन, मान गए कि आप सच बोल रही हैं, हम सच में मान गए। अब
अब आपके हाथ से इतना खून निकल रहा है, हम मरहम पट्टी कर दें आपकी? आइए बैठिए। अब दर्द हो जाएगी छू मंतर। बड़ी हिम्मत आ गई है ना तुझमें, ना आव देखा ना ताव, जाके भिड़ गई सीधा भूतनी से। थोड़े तो होश में आ जा बिटिया, वो कोई आम इंसान नहीं है, भूत है भूत। कभी कभी कुछ पाने के लिए होश खोना भी पड़ता है मम्मा, और मोहन को पाने के लिए मैं भूत तो क्यों, भगवान से भी लड़ सकती हूँ। मार डालेगी वो तुझे। नहीं मारेगी, तुलसी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अगर मुझे खरोच भी आई ना तो सब उसकी बेटी पर उंगली उठाएंगे, कुछ नहीं करेगी वो मेरा। करो उन लोगों से, बताओ सबको कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है, झूठ तो वो दामिनी बोल रही है। पर अगर वो गुस्सा हो गई तो? डरती जा पर करती जा, डरती जा पर करती जा। रिलैक्स मम्मा, क्या ही कर लेगी तुलसी, भूत है भगवान नहीं, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। देखना बहुत जल्द वो मुझसे डरेगी। आज उसकी फोटो तोड़ी, कल इस घर से उसका सारा रिश्ता ही तोड़ दूंगी। दामिनी जी जी, राधा तुम? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? आज जो भी हुआ उस बारे में। थैंक गॉड राधा ने मेरी कही हुई बात नहीं सुनी। हमने गुनगुन से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने ना ही तुलसी जी की तस्वीर तोड़ी और ना ही आपको मारा है। हाँ तो उसमें नया क्या है, ये झूठ तो पूरी शाम से वो बोलती ही आ रही है। नहीं नहीं बड़ी काकी जी, गुनगुन ने अपनी माँ की कसम खाई है और कहा है कि उन्होंने तुलसी जी की तस्वीर नहीं तोड़ी है। तो हम बस ये पूछना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या था। बहुत दूर एक गांव में एक लड़का रहता था, बहुत शरारती था, सबको ना बहुत परेशान करके रखता था। और एक दिन ना वो अपनी बकरियां चरा रहा था और तभी उसे एक शरारत सूझी। वो गांव भर में चिल्लाने लग गया कि भेड़िया आया बचाओ बचाओ, और गांव वाले तुरंत उसकी मदद करने आ गए। पर भेड़िया तो था ही नहीं, तो वो लड़का बड़ा हंसा और गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए और वहाँ से चले गए। और ऐसा ही ना इस लड़के ने ऐसा कई बार किया था, कई दिनों तक, और गांव वाले उसकी मदद रोज करने आ जाते थे। पर एक दिन सच में भेड़िया आ गया। वो लड़का बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि भेड़िया आ गया बचाओ बचाओ, पर इस बार
कोई गांव वाला आया ही नहीं उसे बचाने। वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। बाद में उसने जब सबसे शिकायत करी कि आप सब ने हमारी जान क्यों नहीं बचाई, हम इतना कह रहे थे कि बच्चा ये भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तब एक बूढ़ी दादी ने उसे समझाया, जो बार बार झूठ बोलते हैं उसकी सच्ची वाली बात पर कोई विश्वास नहीं करता। तो झूठ नहीं बोलते। अगर आप ऐसे ही झूठ बोलती रहेंगी ना, तो आपकी सच्ची वाली बात पर कभी कोई भी विश्वास नहीं करेगा। देखा मोहन, जो काम तुम्हें और मुझे करना चाहिए वो राधा कर रही है। समझ आया? कौन हो तुम राधा? डांट खाती हो, रोती हो और फिर मुस्कुराती हो। बेवकूफी भरी बातों में दिल को छू जाने वाली इतनी गहरी बात कैसे बोल जाती हो तुम? कैसे तुमने गुनगुन से इतने जल्दी दिल का वो रिश्ता बना लिया जो मैं इतने सालों में नहीं बना पाया? गुनगुन जो किसी को अपना नहीं मानती, तो तुमने ऐसा क्या किया जो उसने तुम्हें अपना समझ लिया? गुनगुन जो किसी की बात नहीं सुनती, बस तुमसे सच बोलने की कहानियां सुन रही है। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, एक उम्मीद जरूर जागी है मेरे दिल में कि एक ना एक दिन तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के दिल में मेरे लिए ना थोड़ी सी जगह जरूर बन जाएगी। झूठ दामनी नहीं, झूठ तुम बोल रही हो गुनगुन। गुनगुन, ये बहुत ही गलत बात है। गुनगुन, और कितने झूठ बोलोगी? राधा, तुम्हारी ट्रिक बहुत स्टूपिड है, मैं उसमें नहीं फंसने वाली। नाइस बन के रहो तो सब डांटते हैं, और तुम्हारे कहने से मैंने सच भी बोला पर किसी ने नहीं माना, इसलिए नो मोर नाइस। असली गुनगुन को तो तुम अब देखोगे। दामिनी, तुम्हें मेरी मम्मा बनना है ना, वो तो मैं कल बताऊंगी। कि गुनगुन की मम्मा बनना इतना इजी नहीं है। गुनगुन, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, अब आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगी।
इसलिए हाथ नहीं हटा रहा था, पता था तुम चिल्लाओगी। चिल्ला ली, हाथ हटा लू, नहीं चिल्लाओगी ना? क्या कर रही थी वहां पर? वो हम गुनगुन को कुछ बोल रहे थे। बोल रहे थे मतलब सो रही है? हाँ तो सोते हुए, आपको नहीं पता सोते हुए बोलने से अच्छा होता है क्या? वो हमारी दादी कहती है सोने के बाद अगर हम बच्चों के कान में कुछ कह देना तो वो बात सीधा उनके मन में जाकर अटक जाती है, और फिर उठने के बाद वो बिल्कुल वही करते हैं जो कहा गया हो, तो हम वही कर रहे थे गुनगुन के अच्छे के लिए। अच्छा तो तुम भी जाकर कह दो अपनी दादी से कि वो गलत है। हमारी दादी कभी गलत नहीं होती है जी। नहीं नहीं इस बार वो गलत है। क्योंकि इस वाली राधा में दिमाग आधा नहीं, कुछ ज्यादा ही है। ठीक है तो और खुशपुसाओ, अच्छी अच्छी चीजें खुशपुसाना जी। चलते हम। माँ ये तो एलर्जी है। इसकी एलर्जी की दवाई कहाँ है? मैं लाती हूँ। क्या करें हम बाकी रह गए? कुछ नहीं होगा तुम्हें गुनगुन। दामिनी जल्दी दवाई लेकर आओ। थैंक्स। ये दवाई की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। बहुत दिनों से अटैक नहीं आया था ना? नहीं मोहन, सीरियस दामिनी। मोहन शायद मेरे कमरे में होगी एक्स्ट्रा शीशी, मैं लेकर आती हूँ। आप चलते देखिए। गुनगुन लंबी सांस लो, कुछ कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूँ ना गुनगुन, लंबी सांस लो प्लीज। मोहन कुछ करो। ब्रीद ब्रीद प्लीज डार्लिंग प्लीज। मोहन गुनगुन मोहन
अब नहीं है मेरे पास एक्स्ट्रा शीशे। एक्स्ट्रा शीशी नहीं मतलब मोन मोन गुंडन। इसकी सांसें रुक गई, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। चल अजी गाड़ी निकालो जल्दी। चलो चलो। ये पास्ता में मशरूम। गुनगुन को मारना चाहती हो तुम? तुम जानती हो ना गुनगुन एलर्जिक है मशरूम से, तो क्यों डाले तुमने? मैंने पास्ता में मशरूम नहीं डाला मोहन। पिछली बार जब गुनगुन ने ये मशरूम्स खाए थे तो हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, पता है कि नहीं तुम्हें? लेकिन मोहन। क्या मोहन? एक मिनट मोहन, गलती हमसे भी तो हुई है, हमें चेक कर लेना चाहिए था ना कि पास्ता में मशरूम। पास्ता आपने तो नहीं बनाया ना मां, पास्ता इसने बनाया, तो गलती इसकी है। क्या ज्ञान दे रही थी तुम राधा को कल कि बच्चों को कैसे पाले जाते हैं? तुम्हें भी नहीं पता कि घर के बच्चे क्या खाते हैं क्या नहीं? मोहन जी, ऐसे बनोगी तुम गुनगुन की मां? ऐसे? मेरी बच्ची की जान खतरे में डालकर। मोहन, मैंने मशरूम नहीं डाला है पास्ता में, और तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं क्यों गुनगुन की जान खतरे में डालूंगी? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, उसका ख्याल रखने के बदले उसकी जान खतरे में क्यों डाल रही हो तुम? आज पहली बार तुम्हारी आंखें खुली है मोहन, पहली बार तुम्हें दिखा है इस दामिनी का असली चेहरा। दिमाग बनिए के यहाँ छोड़कर आई है क्या? अरे महल को छोड़ के कौन जाता है? एक बार भी सोचा कहने से पहले हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे मम्मा, लेकिन इस घर में ना मैं एक और सेकंड नहीं रुकने वाली हूँ। अरे एक बार सोच तो ले। दामिनी दीदी ये आ गई। दामिनी दीदी आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए, ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? आप ही बताइए। आओ निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चले जाएंगे दीदी, अकेला छोड़ना मुझे। दीदी क्या करें? गुनगुन तू जरा पहले शांत हो जा। हाँ आ जा, बैठ जा यहाँ पर। हाँ बैठ, अब शांति से सोच। हाँ अरे क्या कर रही है बिटिया, शांत हो जा। प्रभु क्या होगा विधवा का? मोहन जी इतने गुस्से में ऐसा क्या करी कि उनका गुस्सा शांत हो जाए? और बेचारी दामिनी जी कितना बुरा लग रहा होगा। बाकी बिहारी जी क्या करें?
अब भले उनसे प्यार करे ना करे पर वो तो जान छिड़कता ना आप पर, आपसे इतना प्यार करता है, उनकी जान बचती आप में गुनगुन, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, और ये बदला लेने के चक्कर में ना गुनगुन अब सब कुछ भूल गई है, आपकी माँ, आपके पापा, आपका परिवार, अब सब भूल गई है। सबको बताने जा रही हूँ ना, ठीक है सबको बता दो। नहीं, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, गलती आपने की है तो सब ठीक भी आप ही करेंगे गुनगुन। पागल वागल हो गई हो क्या, मेरी कोई गलती वलती नहीं है और मैं कुछ ठीक नहीं करने वाली। आप करेंगी गुनगुन, हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छी बच्ची है, आप बाहर से चाहे जितनी भी शैतानी क्यों ना करें, आपका दिल बहुत साफ है, बस आपने इसे छुपा कर रखा है। देखिए गुनगुन, आपके सच बोलने से हमें फर्क पड़े ना पड़े, पर आपकी माँ को आपके झूठ बोलने से बहुत बुरा लगा है। फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, आपको झूठ का साथ देना है या सच का। तेरे चक्कर में हमें ये सब करना पड़ रहा है, क्या जरूरत थी इतना आदर्शवादी बनने की, बड़ी आसानी से बोल दिया मैं यहाँ नहीं रहूँगी। एक बार भी सोचा है कि यहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग, अरे तेरे पिताजी के मरने के बाद धीरे धीरे करते कितना मुश्किल से यहाँ पे पैर जमाए थे हमने, अच्छी खासी तो कट रही थी हमारी, क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की, सच बताए ना तो, हमें तो डमरू और ये दुलारी की इतनी आदत हो चुकी है कि खुद से तो पानी का एक ग्लास तक नहीं भरा जाता। हाँ अरे पावली, इस उम्र में ये विधवा कौन सी झोपड़ी में जाके रहेगी, एक बार भी सोचा है तुमने, हे भगवान, नालायक कहीं की, इस उम्र में अपनी माँ को बेघर कर दिया तुमने, बस करो ना मम्मा। मैं भी कोई शौक से ये घर छोड़कर नहीं जा रही, मैंने सोचा था कि अगर मैं खुद से कहूंगी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ तो शायद वो मुझे रोक लेगा। इतनी सी बच्ची ने इतना बड़ा नाटक रचा, इसे दामिनी पसंद नहीं इसलिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी। ये देख रहे हो तुम, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ गुनगुन की वजह से हो रहा है। देखो ना, माँ बाप अपने बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं ताकि बच्चे सच बोले, लेकिन जब वही बच्चे सच बोलते हैं तब वही माँ बाप उन्हें डांट भी लगाते हैं, इसलिए बच्चे जो है वो सच बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाते। धन्यवाद बाकी बिहारी जी, आखिर गुनगुन ने सच बोल ही दिया। लेकिन मेरी बेटी ने हिम्मत दिखाई है ना, बिना डरे सच बोला है उसने, अपनी गलती मानी है, और क्या चाहिए। Proud of you. बस। ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ वो ठीक करने के लिए आई थी जो मैंने गलत किया था, वो भी बस अपनी मम्मी के लिए। ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरी मम्मा को हर्ट हो।
और मैं अपनी मम्मा की झूठी कसम कभी नहीं खाऊंगी। चलो, गुनगुन ने तो सारी बात ही खत्म कर दी। तो अब तो जाना कैंसिल। लाइए, हम आपका सामान ले लेते हैं। अरे हम नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? नहीं अजीत भैया, मैं ये घर छोड़ के गुनगुन की वजह से नहीं, मोहन के फैसले की वजह से जा रही हूँ। दामिनी, मोहन ने अपना फैसला कर लिया और शायद सही लिया। तो मेरा इस घर में रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वैसे भी बाहर वाले और घर वालों में फर्क तो होता ही है। हम तो कभी इस घर का हिस्सा ही नहीं बने, है ना मम्मा? और ना ही हमारे रिश्ते का कोई मोल। अच्छा फायदा उठाया तुमने हमारी बिटिया का। लेकिन अब बस बस हम अपनी बिटिया को यहां से लेकर जा रहे हैं। सुना तुमने? हम जा रहे हैं। माँ की जुबान की कीमत ना उतनी है जितनी कि मेरी जान की। और ना किसी का फायदा उठाती है और नहीं अपनी दी हुई जुबान से मुखरती है। Zee5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।